गुड इवनिंग फ्रेंड, सभी लोग को स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। जिस डेट का मुझे इंतज़ार था वो डेट फाइनली आ गई है। आज डेट है 8 फरवरी 2021। टाइम हो रहा है 5:45। मुझे घर से निकलना है 6 बजे। मेरी ट्रेन है रात को 10:10 पर। आप सभी लोग को पता है, जिसको पता नहीं है वो पिछली वीडियो देख सकता है। मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ 4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए स्मॉल ट्रिप है मेरा। पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं इस टाइम पर छत पर हूँ, तैयार हो गया हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बस सामान पैकिंग कर लिया है, नीचे चलना है, बैग उठाना है स्टेशन के लिए। चलते हैं स्टेशन, मिलते हैं आप सभी लोग से। हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे और स्टेशन का कुछ इस तरह नज़ारा है। पीछे देखिए, ये प्रयागराज जंक्शन है। कुछ इस तरह नज़ारा दिख रहा अपना रात को, प्रयागराज स्टेशन। रात को तो बहुत मस्त लग रहा है यार स्टेशन। मास्क लगाना ज़रूरी था, मैं मास्क लगा रहा था। बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। हेलो, अब चलते हैं अंदर स्टेशन के अंदर, पता लगाते हैं अपनी ट्रेन कहाँ पहुँची है। ऐसे मोबाइल में स्टेटस चेक कर लेंगे अभी हम। और कुछ यहाँ पे इस तरह नज़ारा दिख रहा है, बहुत मस्त लग रहा है यार। एंट्री गेट नंबर 1 एंट्री करने की साइड है। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आके बैठे हुए हैं और लगभग 1 घंटे से बैठे हुए हैं। मैं घर से निकला था 6 बजे और मैं पहुंच गया स्टेशन पे लगभग 8 बजे तक कहीं पे पहुंच गया। अभी टाइम हो रहा है 9:10 और जो हमारी ट्रेन है आएगी वो 10:05। अभी 9:05 हो रहा, मतलब मान लीजिए 1 घंटा भी हमें 1 घंटा वेट करना है स्टेशन पर। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। और जो हमारी ट्रेन है एप्लीकेशन में वो मतलब प्लेटफॉर्म नंबर दिखा नहीं रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर पाएगी। तो कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट होगा तो जब चले आएंगे। अभी तो यहीं पे वेट कर रहे हैं। और जंक्शन पे एक चीज़ यार ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। ये देखिए चमक रहा है भाई, कितना मस्त लग रहा है, चमक रहा है। और डिस्टेंस यहाँ पे रूल भी फॉलो किया जा रहा है, मतलब मास्क बंदे लगा के घूम रहे और डिस्टेंस से भी दूरी कर रखा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रयागराज जंक्शन पे। और मैं भी बैठा हूँ और मास्क ये लिया है, बात कर रहे थे इसलिए मास्क उतार दिया, तो अभी मास्क पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई जुर्माना नहीं है स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर जुर्माना है, लेकिन अभी यहाँ जुर्माना नहीं है। स्टेशन के अंदर आ जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मास्क पहनोगे कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बंदों को मैंने देखा था मास्क नहीं पहन रहे, कोई बात नहीं। तो भाई मेरे को पहनना है, अभी पहनेंगे। 1 घंटे बाद आप सब लोग से मिलते हैं।
जिस ट्रेन का हम इंतज़ार करते वो ट्रेन आ चुकी है, ये रही। और सबसे अच्छी बात ये आपको बताता हूँ, इस ट्रेन का टाइमिंग है 10 बजे रात को और ये ट्रेन 9:30 बजे से पहले आ गई है, आधे घंटे पहले आ चुकी है, वो भी इंडियन की इंडिया ट्रेन। ये भाई देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी होनी चाहिए ट्रेन भाई। भाई आधे घंटे बहुत पहले आ गई है और मैंने जनरल को अच्छी वाली डी फर्स्ट 22 नंबर मेरी सीट नंबर है, डी फर्स्ट है, वो चाहिए थी। ट्रेन काफ़ी सुपर फास्ट है और इस ट्रेन का नाम है उदयपुर सिटी और कोलकाता तक जाती है। एसपी मतलब एसपी स्पेशल ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है मतलब इस ट्रेन का नंबर है 02316। तो फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माजरा है भाई। सीट वीट खाली है नहीं जनरल कोच में? तो वैसे सीट मिल जानी चाहिए, जितनी सीट है उतनी बुकिंग होती है जनरल कोच में, पहले जैसे अब नहीं रह गया। ये होता था पहले कि जितनी भी सीट कर लो, मतलब पहले ये होता था जनरल डब्बे में जितने भर जाओ बंदे भूसे जैसे ठुस जाओ, लेकिन एक्चुअली ये अब ऐसा हो गया, ऐसे एक सीट में 50, एक कोच में 50 सीट है तो 85 सीट मतलब टिकट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये मेरे ये बहुत अच्छा लगा यार, ये नियम बहुत अच्छा लगा कोरोना की वजह से, तो एक चीज़ अच्छा हुआ है। चलते फिर अंदर चेक करते हैं क्या हो रहा है। ट्रेन के अंदर आ गए हम और अपनी सीट पे बैठ गए, 22 नंबर सीट है, बैठ गए हैं और ये ट्रेन ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, लगभग 10 मिनट यहाँ से चलेगी। ट्रेन चल चुकी है और टाइम हो रहा है 10:10 और रफ्तार बना रही धीरे धीरे। यार नींद नहीं आ रही यार, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है यार, मन कर रहा गेट पर खड़े रहो, ऐसे देखते रहिए, देखता हूँ कब तक खड़ा रहता हूँ, फिर इसके बाद सीट पे चलता हूँ, सोता हूँ एक बार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहे हैं 3:02, सुबह हो गई है, अभी सब लोग सो रहे हैं। जहाँ भाई बैठे हैं उसके बगल में मेरी सीट थी, सब सो रहे हैं। अभी अंधेरा है अभी मतलब, और ये ट्रेन का स्टेटस है, अभी पहुँचे हैं डीडी उपाध्याय स्टेशन, लगभग यहाँ से 5 बजे तक ट्रेन छोड़ दी, 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। देखते हैं, सफ़र बहुत अच्छा बीत रहा, सोया मान ली सोया तो बहुत कम है, ज़्यादा सोया नहीं, अब जा अभी होटल लेने के बाद ही सोएंगे, वहाँ पे नींद नहीं आई ज़्यादा और सोने का मौका भी ज़्यादा नहीं मिला। जनरल कोच में आप सभी लोग जानते हैं और मेरे को भी वैसे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं आया था स्टेशन के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठा तो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, तो 12 बजा दिए मैंने वैसे, अब नींद आ रही हल्की फुल्की, अब तो वहाँ पे होटल में सोना पड़ेगा, अब यहाँ नहीं सो रहा मैं। बस कुछ नज़ारा आपको दिखा दिए ट्रेन का, कितना कैसा है, ऐसा है। सो गाइस हम फाइनली पहुँचने वाले हैं, अभी हम पहुँचे हैं दानापुर, यहाँ से 10 किलोमीटर है पटना और ये दानापुर स्टेशन है। Will depart
अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है, अभी इसको लगे यहाँ से दिखा रहा है 10-15 मिनट में पहुँच जानी चाहिए, लेकिन आधे घंटे दिखा रहा है। अभी पता ही क्या, जब स्टेशन पहुँचने लगती है ना कोई सी भी ट्रेन तो बहुत स्लो हो जाती है, ऑटो में जाकर रुक जाती है वहाँ पर, क्या स्लो चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी करने में उसको आधा घंटा लग जाता है। तो बस चलते हैं दानापुर स्टेशन। पटना में मिलते हैं आप सभी लोग से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पटना जंक्शन, और ये रहा बैग मेरा, सब भाई उतर रहे हैं, मैं भी उतरता हूँ। साढ़े पाँच बता रहे तो पटना जंक्शन पर आ गए हम भाई। ये देखो इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी भाइयों को सभी बहनों को स्वागत करते हैं पटना में, स्वागत करते हैं। आ गए हैं पटना जंक्शन पे, जो बिहार की राजधानी है पटना। ठंड लग रही है यार, बिहार में तो ज़्यादा ठंड है, उत्तर प्रदेश से तो ज़्यादा ही है। बाहर चलते हैं देखते हैं क्या है माहौल है, टैक्सी वैक्सी मिल रही है अभी नहीं, पता लगाते हैं। कुछ इस तरह स्टेशन है पटना का, देख सकते हैं पटना जंक्शन का। आ गए हैं हम स्टेशन से बाहर, और पटना जंक्शन कुछ इस तरह दिखता है, और बहुत मस्त लग रहा भाई। ये और ये जो चित्र बने इसमें बहुत अच्छा लग रहा है यार, बेहतरीन लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये हनुमान मंदिर, और कुछ इस तरह नज़ारा है स्टेशन के बाहर, देख सकते हैं आप सब लोग। इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करता हूँ, आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी। अभी सबसे पहले मुझे होटल ढूंढना है, उसके बाद फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।